Find the breadth of a rectangular plot of length if its area is 440 meter square and the length is 22 meters. Also find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जैसे कि आपको इसका ब्रेथ फाइंड करना है. ब्रेथ फाइंड करना है. उसके बाद इसका एरिया दिया है. एरिया है आपका 440 मीटर स्क्वायर. उसके बाद लेंथ दिया है आपका. लेंथ दिया है 22 मीटर्स. हमको निकालना है ब्रेथ एंड पेरीमीटर्स को निकालना है. तो सबसे पहले अभी निकलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पार्क है आपका 440 मीटर स्क्वायर. 440 मीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है आपका 22 और ब्रेथ हमको फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर. तो लेंथ कितना था? लेंथ है 22 मीटर्स. लेंथ 22 इंटू ब्रेथ हमको निकालना है. ब्रेथ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर. तो ब्रेथ को यहाँ लाएगा. तो ब्रेथ इज इक्वल टू 440 इंटू उस पार चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. 22 इंटू 20 मीटर. ब्रेथ निकल गया 20 मीटर्स. अभी हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क. रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. टू लेंथ कितना था? लेंथ है 22 और ब्रेथ कितना निकला था? ब्रेथ निकला था 20. उसके बाद 2 into 42 = 2 × 4 = 8. तो 84 मीटर. एंड लास्टली जस्ट द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 84 मीटर. थैंक यू.